साइड इज अभी अगेन फ्रॉम सीखते रहो दोस्तों। आज की जो बेसिकली ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। इसका रीज़न ये है कि मैंने खुद जिम में देखा है कि लोग टेस्टोस्टेरोन को लेके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और उनको इतना मिसगाइड किया जाता है जिसके मतलब उनको जो रिज़ल्ट आगे चल के फेस करना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली जैसा हम सभी जानते हैं ये एक मेल हार्मोन है। ओके, तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ओके लोगों को पागल बनाते हैं। जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं कि आप टेस्टोस्टेरोन को बाहर से इंजेक्ट कर लो सो दैट आपकी मसल्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आप वस्कुलर हो जाओगे। ओके, फैट लॉस का अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप फैट लॉस जल्दी कर लोगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसी कोई राय देता है तो प्लीज़ इसे कभी भी मत मानिएगा, बिकॉज़ वो जस्ट अपने जिम को पॉपुलर करना चाहते हैं आपको कुछ रिजल्ट शो करके आपकी बॉडी पे, बट इसके काफ़ी डेंजरस इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएंगे क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बेसिकली हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अगर हम नेचुरल वे की बात करें तो हमारी बॉडी उस चीज़ को खुद प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर आप जब बाहर से उसे इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो आपको फॉर द टाइम बिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको रिजल्ट मिलेंगे, बट आप टेस्टोस्टेरोन हमेशा तो अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते रहेंगे। वो एक तरीके का स्टीरॉयड है, वो जैसे ही आपकी बॉडी में चला जाता है आपकी जो नेचुरल वे में जो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रही थी वो बंद कर देगी। फिर आप ये सोचते हैं कि आप 2 साल टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करेंगे, आप बॉडी बना लेंगे, उसके बाद आप इसे बंद कर देंगे, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है आपकी बॉडी नेचुरल वे में फिर से उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब 90% केसेस में अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इनफैक्ट आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं इस चीज़ को। ओके, अगर किसी बंदे में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो डॉक्टर राय देता है, डॉक्टर बोलता है कि वैसे तो डॉक्टर भी शुरू में नेचुरल वे में ही मतलब जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है उसको फॉलो करवाता है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम नेचुरल वे में ये कर लो जिससे आपका मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, लेकिन स्टिल अगर उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है इन दैट केस डॉक्टर ऑल्सो यूजेस लाइक जो बाहर से हमारे सिंथेटिक हार्मोन होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो जैसा मैंने आपको बताया ये एक प्रिंसिपल सेक्स हार्मोन है जो सारे जितने भी मेल्स है हर मेल में होता है। ओके, और ये जितने भी हमारे मेल हार्मोन है उनमें काफ़ी डोमिनेंट एंड एनाबॉलिक होता है। ओके, जिसमें बेसिकली हमारी मसल बिल्डिंग, हमारी सेक्सुअल ड्राइव, स्पर्म काउंट, बोन डेंसिटी इस तरह की चीज़ें डिपेंड करती है। जब हमारी बॉडी में बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के एंड्रोजन साइट के अंदर एंटर होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। ओके, उसका रिजल्ट क्या होता है? मसल बिल्डिंग, फैट लॉस। ओके, तो इस तरह की चीज़ें होती है जिससे हमारी बॉडी वस्कुलर होती है, हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं, फैट लॉस होता है हमारा। ओके, तो बेसिकली ये बात है कि जो अब तक मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन है क्या और टेस्टोस्टेरोन कब हमें बाहर से इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जब अगर डॉक्टर आपको इस चीज़ को बोलता है और डॉक्टर ही उस चीज़ को इंजेक्ट करता है, इन दैट केस ही आप उसे यूज़ करिए। अदरवाइज अगर आप जिम जा रहे हैं यू कैन यूज़ डाइटरी सप्लीमेंट, आप नेचुरल वे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसके थ्रू आप बॉडी बना सकते हैं। ओके, आप प्रॉपर अपनी डाइट रखिए, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, विद इन लाइक 6 मंथ 1 ईयर में आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप क्यों बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है? अब हम बात करते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन होने के कारण क्या होते हैं। अगर मान लीजिए किसी में लो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, तो उसका जो नंबर 1 रीज़न होता है वो होता है आपका जो बॉडी फैट होता है, ड्रॉप योर बॉडी फैट परसेंटेज। बेसिकली जो हमारी बॉडी फैट होता है उसके अंदर एरोमेटाइज नाम का एक एंजाइम पैदा होता है जिसका काम क्या होता है कि
टेस्टोस्ट्रॉन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना, ओके। इससे क्या होगा, जब टेस्टोस्ट्रॉन हमारा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो लेस मसल ग्रोथ होगी, मोर फैट, ओके, और गाइनोकेमिस्टिया जैसी प्रॉब्लम मेल्स में होने लग जाती है, जिससे ना तो आपके कभी मसल्स बनेंगे और आप फैट ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाएगा। अगर आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर देंगे, मतलब जो आइडियल बॉडी फैट होता है हमें वो होता है 8-14%, अगर आप 8-14% आपकी बॉडी का फैट है तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहेगा, प्रोडक्शन उसकी रहेगी, वो बिल्कुल ओके रहेगी, ओके। तो अपने बॉडी फैट को कम करिए। बॉडी फैट कम करने के लिए क्या क्या आपको करना है, आपको अच्छे से पता है कि आपको एक्सरसाइज इसके लिए करनी पड़ेगी, वर्कआउट का आपको टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर फाइबर होगा, प्रोटीन होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी टाइप्स के विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी होता है। बेसिकली प्रॉपर डाइट के अंदर आपको कार्ब्स चाहिए होंगे, प्रोटीन चाहिए होगा, ओके, फाइबर चाहिए होगा, फैट चाहिए होगा, ओके, और पूरे दिन में जितने हमारे विटामिन्स होते हैं, ए, डी, के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वो सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, जिससे हमारा बॉडी फैट भी कम होगा, ओके। अब जो दूसरी हम बात करें वो है हमारा लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो दूसरा रीज़न है टेस्टोस्टेरोन कम होने का, वो है लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग ज़्यादा, हमारे अगर देखा जाए इंडिया में खाना जो है उसमें थोड़ी कमी रहती है चीज़ों की, ओके, प्रॉपर ना तो कार्ब्स मिल पाते हैं, ना ही एक बंदा पूरे दिन में जो प्रोटीन लेवल उसे लेना चाहिए वो उतना लेता है, ओके, ना ही विटामिन्स लेता है। सो अगर आपका, आप फुल ऑन विटामिन्स आपकी बॉडी में है, जैसे ए, डी, के, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बनेगा, ओके। तो मल्टी विटामिन्स इसलिए बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर मल्टी विटामिन्स की कमी रहेगी तो भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जो थर्ड है वो है लो कार्ब डाइट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डाइटिंग करने से कभी भी पतले नहीं होते। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाना ही छोड़ देते हैं, कार्ब्स वगैरह नहीं लेते, क्योंकि कहते हैं कार्ब से ग्लूकोज बनता है जिससे फैट बनता है, तो कार्ब्स की वजह से पूरा ही, मतलब जो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसकी प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर देते हैं। रीज़न क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में एक और हार्मोन है जिसका नाम है GnRH, गोनोडोटोपिन हार्मोन, ओके। ये बेसिकली हमारा ब्रेन से रिलीज होता है, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना बॉडी में, ओके। लेकिन जो इसका प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है ग्लूकोज लेवल पे, ओके। और ग्लूकोज किससे बनता है, कार्ब से। तो यानी अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनेगा, जिससे वो आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं देगा, ओके, जो मैंने आपको GnRH हार्मोन बताया, उस तक सिग्नल नहीं आएगी, और उस तक सिग्नल नहीं आएगी तो इट मींस जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी वो बंद हो जाएगी। तो यानी आपको कार्ब्स को अपनी डाइट में रखना ही रखना है। जो चौथा है वो है बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट। इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि इंडिया में जो खाना हम खाते हैं उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं, प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट नहीं मिलता है हमें अपने खाने में। तो प्रॉपर कितना प्रॉपर होना चाहिए, तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपके खाने में 25-30% प्रोटीन हो पूरे दिन में, जब भी आप खा रहे हैं, 30-40% आपके खाने में कार्ब्स होना चाहिए, और 30-40% फैट होना चाहिए। ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइट की वेल पूरी रेशियो है। आप इस तरीके की अगर डाइट लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बूस्ट होगा, और आपके खाने में अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा उसकी प्रोडक्शन स्लो होगी या होगी ही नहीं, ओके। और जो फिफ्थ है वो है ऑप्टिमाइजिंग लाइफस्टाइल। बहुत लोगों की लाइफ में
आजकल देखा जाए लोग पैसा कमाने में इतने बिजी है और स्ट्रेस लेते हैं, ओके, अच्छे से सोते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है जिसकी, उससे भी हमारी लाइफ में क्या होता है कि टेस्टोस्ट्रॉन जो होता है ओके, वो कम बनता है। टेंशन जहाँ होगी वहाँ पे अगर हम टी से टेंशन और टी से टेस्टोस्ट्रॉन, ओके, तो टेस्टोस्ट्रॉन का, टेंशन का टेस्टोस्ट्रॉन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर आप फ्री माइंड है, आप कुछ कम, आप कम टेंशन लेते हैं, आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, मतलब 8 से 9 घंटे की, तो आपकी जो टेस्टोस्ट्रॉन की प्रोडक्शन है वो आपकी बॉडी में सही बनेगी। जो सिक्स्थ है वो है एक्सरसाइज। हम सभी ने देखा है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, वो अपने फैट परसेंटेज को भी कम करते हैं, मसल्स को भी बनाते हैं। लेकिन अब बात करें उन लोगों की जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टेंशन लेते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी डाइट में नहीं है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो इन सभी चीज़ों से भी टेस्टोस्टेरोन काफ़ी इफेक्ट होता है, ओके, जैसा हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज में का फ़ायदा क्या होगा? अगर आप लंजेस, स्क्वाट, चेस्ट वर्कआउट, ओके, शोल्डर वर्कआउट, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मतलब कंपाउंड एक्सरसाइज आप इस टाइप की करते हैं, तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन को आपको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, उससे टेस्टोस्टेरोन भी आपकी बॉडी में बनेगा, ओके। तो दोस्तों, ये था मेरा एक पूरा ओवरऑल वीडियो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कि टेस्टोस्टेरोन की, मतलब लो टेस्टोस्टेरोन होने के क्या रीज़न होते हैं और टेस्टोस्टेरोन आप कैसे अपनी बॉडी में बना भी सकते हैं, ओके, बढ़ा कैसे उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए और प्लीज़ कोई भी अगर आपको ये सलाह देता है कि भाई आप बाहर से इंजेक्ट कर लीजिए तो वो कभी मत करना, क्योंकि मुझे खुद एक्सरसाइज करते हुए 5 साल हो गए एंड आई हैवेंट यूज एनी काइंड ऑफ लाइक स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड एक ऐसी चीज़ है, लोग ये सलाह देंगे कि एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल में आप इतना गैप दीजिए और वो वॉश आउट बॉडी से हो जाते हैं। आप चाहे किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो, सॉरी, जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो बॉडी से वॉश आउट नहीं होते हैं, जिनके हार्मफुल इफेक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आई होप यू गाइज, आप कभी आप बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, इस ये मतलब लो टेस्टोस्टेरोन होने के क्या कारण है और आप टेस्टोस्टेरोन को किस तरीके से अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।